Dear students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet for class 9th under Mission Mathematics for the date of 14th July 2023. Today our topic is Law of Exponent. We have learned in previous class that when we same number is multiplied by itself repeatedly, we write in exponential form. That means 3 into 3 into 3 into 3 into 3, that means 3 multiplied at 5 times, यानी 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है. तो किसको मल्टीप्लाई किया गया है? 3 को किया गया है, तो ये 3 हो गया बेस. और कितनी बार किया गया है? तो वो हो गया एक्सपोनेंट. तो 3 को यहाँ पे बेस कहते हैं और 5 को एक्सपोनेंट कहते हैं. अब एक्सपोनेंशियल रूल देखिए, यदि a का पावर m है और b का पावर a का ही पावर n है, यानी दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा. और दूसरा है a का पावर m है और फिर इसका पावर n है, तो ये m इंटू n हो जाएगा. तीसरा रूल कहता है, जो ये रूल है, तीसरा रूल है a का पावर m है और a का पावर n है, तो इसका मतलब a का पावर m माइनस n हो जाता है. चौथा रूल कहता है a का पावर, यानी बेस डिफरेंट हो, ये सारे जो था बेस सेम था, अब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो ये हो जाता है a इंटू b का पावर m. और किसी का भी पावर जीरो, इसका मतलब वन होता है. साथ ही इसी से वन बाय ए का पावर एन बराबर में ए का पावर माइनस एन हो गया. दैट मीन्स वन बाय थ्री का पावर सेवन इजकल टू थ्री का पावर माइनस सेवन, सिक्स का पावर माइनस टू, यानी वन बाय सिक्स का पावर टू. अब कह रहा है जो कि एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो देखिए 11 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 का पावर 5. अब दूसरे में 5 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 14. यहाँ पे 7 का पावर, यहाँ पे हिंदी में जो है डिफरेंट है, इंग्लिश में गलत छप गया है. हिंदी में है 7 का पावर 3 अपॉन में 7 का पावर 5, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 का पावर 3 माइनस 5 इजकल टू हो जाएगा 7 का पावर माइनस 2, जिसको सॉल्व करने के बाद 1 बाय 7 का 2 लिखेंगे. यस, सही नहीं है. अब यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 5 इंटू 4 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 20 का पावर 3 और 8 का पावर 0 यानी 1. अब कुछ और भी नियम है. नियम ये है 1 बाय ये रूट के ऊपर में एन लिखा हुआ हो और ए हो, तो इसका मतलब होता है ए का पावर 1 बाय एन, ये एनथ रूट हो गया. और यदि इस तरह हो, ब्रैकेट में हो या ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया ए का पावर 1 बाय एन और इंटू एम, इसका मतलब हो गया 1 बाय, और इसको हम ऐसे लिखेंगे ए का पावर एम बाय एन मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि सॉल्व करने के बाद ही है. इसी तरह आपको कुछ सवाल दिए. अब रूट कुछ नहीं, मतलब देखिए यदि ऐसे लिखा हो, 3 लिखा हो, तो इसका मतलब ए का पावर 3 थर्ड रूट लिखा हो, तो ये इसका मतलब होगा ए का पावर 1 बाय 3. लेकिन यदि कुछ भी नहीं लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब होता है
ए का पावर 1/2। तो यहाँ पे 7 है और रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब 7 का पावर 1/2। यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 11 है, तो 11 का पावर 1/3। यहाँ पे 5 का पावर 1/2, 1/2 और फिर 3 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का पावर ब्रैकेट में 8 का पावर 1/2 और इनटू 5, तो इसको सॉल्व करने पे 8 का पावर 5/2 हो जाएगा। कुछ और एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करना है, जैसे दिया हुआ है आपको 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3, बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2/3 और प्लस में 1/3। एलसीएम लेंगे तो 2 का पावर में एलसी 3 बेस हो जाएगा और 2 प्लस मतलब डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3/3 यानी 2 का पावर 1 सॉल्व करने पे। अब ये 2 का पावर 1 यानी 2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 1/3 का पावर 2 × 5 हो जाएगा, जो 1/3 का पावर 10 हो गया, या तो ऐसे लिखें या फिर 3 का पावर -10 लिखें, दोनों में लिख सकते। अब आइए ट्राई और सेल्फ के तहत आपको सवाल दिए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं देखते हैं 5 का पावर 1/4 है, बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा 3/4 के साथ ही है। तो 5 का पावर इसका एलसीएम लेंगे 4 और 1+3 यानी 5 का पावर 4/4 यानी ये कट जाएगा 5 का पावर 1। अब दूसरा है 7 का पावर -3 है और प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का पावर में -3+4 यानी 1 बचेगा प्लस में तो बराबर में 7। अगला है 6 का पावर 7 × 8 का पावर 7 है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 8 = 48 का पावर में 7। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।